खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा पेपर लीक पर बवाल के बाद आखिरकार योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 6 महीने बाद दोबारा होगी। वहीं योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं सूत्रों से खबर है कि पेपर लीक होने से पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले एसटीएफ की रडार में है। उधर यूपी सरकार के फैसले से अभ्यर्थियों ने राहत भरी सांस ली है। परीक्षा रद्द करने को लेकर यूपी सरकार के फैसले की सराहना की जा रही है। साथ ही मांग की गई है कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जिससे आने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो सके। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दिसंबर 2023 में जारी किया था। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 27 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद 16 जनवरी तक आवेदन फॉर्म जमा किए गए थे। 18 जनवरी तक फॉर्म में संशोधन किए गए और इसके बाद प्रदेश भर में 17 और 18 फरवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। 60,244 पदों के लिए करीब 50 लाख आवेदन आए थे। इतनी बड़ी परीक्षा संपन्न कराना योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। परीक्षा के दौरान कई जगहों पर पेपर लीक का मामला उछला। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। शनिवार को छात्रों के हित में फैसला लेते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने के अंदर दोबारा लिखित परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों योगी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी मांग पूरी कर दी। बोलो, मांग माननी ही पड़ती। सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है। सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बात मिल जी। अब अच्छा लग रहा है, जो फैसला आया बहुत अच्छा है, छात्रों के हित में आया है, बहुत अच्छी बात है। जो भी इसमें काम और होना चाहिए, जो ये मुन्ना भाई थे, जितने भी उन्होंने जो परीक्षा इन्होंने करवाई है, जो इन्होंने लीक करवाई है, इनको भी पकड़ा जाए, इन पे कार्रवाई हो, जो भी हो इन पे बहुत जल्द हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये यही हमारी मांग है। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसको करते जी बिल्कुल स्वागत करते हैं 100%। जो भी उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, थोड़ा समय तो लगा लेकिन हमारे हित में जो आया वो अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 को किया गया था। उक्त भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों के अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेदनों के आरोप में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के संबंध में दिनांक 23/12/23 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा। परीक्षा की तिथि तथा अन्य प्रासंगिक सूचनाएं यथासंभव हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी।